और ये देखो निकल रहे। ओके सो भाई लोग, आज फिलहाल में भी 27 फरवरी है, 27th of February, एंड फिलहाल से हम लोग अभी MT50 वाला जो हमारा भाई था लास्ट व्लॉग में, जिसमें आप लोगों ने देखा हम लोग रामगढ़ टू गिद्दी का राइड किए, वहाँ पे कुछ काम वगैरह था, तो वो सारी काम हम लोगों ने निपटा लिए एंड अभी वापस हम लोग यहाँ वापस रामगढ़ आ चुके हैं। लगभग मे बी 20 फेब या 21 फेब को हम लोग वापस आए थे और उसमें भी एक ब्लॉग बनाए थे। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ मैं एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, दैट रामगढ़ से नई तक का जो ब्लॉग था वो करप्ट हो गया था, जिस वजह से मैं नहीं डाल पाया वो फाइल, और वो कांट प्ले करके कुछ ऑप्शन दे रहा था, तो वहाँ पर हमारा कैमरा जो है फ़ोन है वो हैंग कर गया था, जिसके बाद करप्ट हो गया। एंड फिर हम लोगों ने नई तरह से गिद्दी तक का जो भी ब्लॉग हुआ वो आप लोग के साथ शेयर कर दिया। एंड वापस हम लोग जब गिद्दी से रामगढ़ आ रहे थे, सो वहाँ पे हमें एक ड्यूक 390 वाला भाई मिला था और उसके साथ ही सो ड्रैग रेस वगैरह आप लोग जानते हो मेरा स्कूटी 110cc का है, सो वैसा कोई सीन नहीं बन पाया ड्रैग रेस वगैरह का, बट हाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में ब्लॉग किए। वो एक नॉर्मल पर्सन था, मतलब कोई ब्लॉगर या यूट्यूबर नहीं था, बट उसने मेरे हेलमेट में ये सब देखा, सो उसने रुकवा कर मतलब मेरे साथ हैंडशेक वगैरह किया एंड तो, और गाइस आज एक और अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम लोग गिद्दी से रामगढ़ का वापस आने के टाइम पे ये MT50 वाला भाई के बाद में जो ब्लॉग बनाया, सो वो वाला ब्लॉग मतलब आधा मेरे पास था आधा करप्ट हो गया, और जो 390 वाला ड्यूक 390 वाला भाई मिला था सो उसने रुकवाया, हैंडशेक वगैरह किया एंड उसने पूछा क्या आप ब्लॉग करते हो, चैनल वगैरह का नाम पूछा, एंड उसके बाद में वो मतलब मेरा थोड़ा बहुत देखा एक दो ब्लॉग खोलकर, वहाँ पे हम लोग 10 मिनट रुके थे, बातचीत वगैरह किए थे। सो वो अरगड्डे एरिया से था वो भाई एंड वो रांची की साइड निकल रहा था, सो हम लोग फिर थोड़ा दूर मतलब साथ में चले व्लॉग में, वो मेरे साथ में चल रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरा जो रिकॉर्डिंग था वो स्टार्ट था बट मेरा फ़ोन हैंग हो गया था रिकॉर्डिंग के टाइम पे, यार मालूम नहीं क्या सीन चल रहा, बट मेरा फ़ोन बार बार हैंग कर रहा रिकॉर्डिंग के टाइम पे, सो वही सारा सीन हुआ एंड वो वाला फाइल जो है वो करप्ट हो गया। ड्यूक वाला भाई मिला था एंड ड्यूक वाला भाई जब आगे बढ़ गया आगे निकल गया व्लॉग करने के बाद, सो हम लोग बिहार फाउंड्री जो है मे बी मरार में पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा जो गाड़ी है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था एंड हमने वहाँ से लगभग मे बी 2-3 किलोमीटर के आसपास में हम लोग धक्के लगा कर आए थे। सो बीच में बहुत सारा सीन्स कैप्चर हुआ था बट वो जो ड्यूक वाला ब्लॉग था वो मतलब क्या ही बोला जाए, मूड ऑफ हो गया था मेरा, सो मैंने वो सारा ही ब्लॉग उस टाइम पर दूसरे में आकर डिलीट कर दिया। सो इसकी वजह से आप लोग को वो गिद्दी टू रामगढ़ का मतलब जो हमारा वापसी का राइड था वापसी का ब्लॉग था, सो इसके वजह से वो ब्लॉग नहीं मिला एंड अभी वापस से हम लोग रामगढ़ में है एंड रामगढ़ का ही आप लोग को ब्लॉग दिखाएंगे अभी, और वो वाला ब्लॉग गाइस डिलीट हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं दिखला पाऊंगा, बाकी सीन्स बहुत ही अच्छी अच्छी थी, मतलब एक होता है अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स उस टाइप का हमारे साथ हुआ था वो ड्यूक वाला भाई मिलने के बाद, एंड ड्यूक वाले भाई से भी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो भी हुआ ये टेक्निकल फॉल्ट है क्या कर सकते हैं, बट मे बी इन फ्यूचर अगर हम लोग दोबारा मिलते भाई तो दोबारा मैं सारी चीज़ें टेस्ट करके एंड आपके साथ जरूर से एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगा। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा फ़ोन में जिसकी वजह से वो फाइल हैंग हो गया करप्ट हो गया और वो ब्लॉग इसके लिए मैं अपडेट नहीं कर पाया, और फिलहाल आज हम लोग वापस से अभी नई सराय मोड़ से स्टार्ट करेंगे ब्लॉग को, बिकॉज जो MT50 वाला भाई था ना वो अभी फ़िलहाल से वापस से रामगढ़ आया हुआ है रांची रोड के साइड में एंड वो ब्लॉग करना चाहता है साथ में, सो वो कॉल वगैरह कर रहा था इंस्टाग्राम वगैरह पे, सो हम लोगों ने उसको नई सराय मोड़ बुलाया है, बोला कि अगर साथ में ब्लॉग करना है तो वहाँ पर आ जाओ चलेंगे साथ में, और मेरा भी एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा आज, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ उधर 20-21 फरवरी के बाद में, मैं आज 27 फरवरी को ब्लॉग कर रहा हूँ, सो फटाफट से यहाँ से निकलते और आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करें। 2 hours later. What's up everybody is and you are most welcome to our new vlog. So guys देख सकते हो यहाँ पे अपनी ड्यूक लगी हुई है और यहाँ पे जेठ राजा आ चुके हैं अपने साथ, और आज का राइड हम लोग जेठ राजा के साथ करेंगे, सो चलते हैं बेटा फैन तो चलो चलते हैं। तो भाई लोग अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, एंगल भी सही है फिलहाल से, तो भाई लोग अभी हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से। A few moments later. So guys फिलहाल हमारा स्ट्रैप जो है वो लगा हुआ नहीं था जिसकी वजह से हेलमेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, और फिलहाल अपना ट्रैप लग चुका है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं MT वाले भाई के पास। फिलहाल ये चेक करो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं MT वाले भाई के पास,
ये चेक करो गाइस, ये चला था, ये देख रहे हो, देख रहे हो। तो अभी हम लोग फिलहाल पेट्रोल पंप को जाएंगे रामगढ़ का फ्यूल अप करवाने के लिए, बिकॉज भाई का जो एम्प्टी है उसमें फ्यूल थोड़ा कम है। तो वही ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो देखो यहाँ पे भी जगह खाली है और यहाँ पे भी खाली है, किधर को भर आएगा। सो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने को, और ये देख सकते हो मेरा ही भरवा रहा, देखो देखो इस कंजड़ को देखो। और फिलहाल अपना है इसी का दे दीजिए, मेरा है अभी, पावर ही चाहिए इसको, जा उधर लगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं तो भाई लोग ये चेक करो, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, थाना चौक बहुत ही पीछे रह चुका है, हमारा बीच का ऑडियो फिलहाल से गायब हो चुका था। सो अब लोग वापस से रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट किया एंड वापस हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हो गाइस, फिलहाल से आज इलेक्शन है जिसकी वजह से मार्केट वगैरह पूरी तरह से बंद है। फिलहाल हम लोग बहुत लंबे टाइम के बाद मतलब 60 फेब के बाद में 16 फेब के बाद में 27 फेब को हम लोग स्टार्ट किए ब्लॉग, बाकी हम लोग राइड तो डेली ही करते हैं। तो भाई लोग फिलहाल से हम लोग बीच में डेली राइड पे निकलते हैं, बट ब्लॉग वगैरह का वैसा कुछ सीन नहीं, ओ भाई चाची, सो ब्लॉग वगैरह का वैसा कुछ सीन नहीं बन पा रहा था, बट आज हम लोग अपने साथ एमटी वाला जुड़ चुका है, बाइक क्लोज कॉल्स। यार गाइस देख रहे हो गाइस, क्या ही वो बाइक वाला निकला यार एमटी के सामने से, एकदम क्लोज एकदम था। तो फिलहाल से अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइस, और आज हम लोग एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं, वो राइड में भी 10-20 किलोमीटर्स का मतलब आने जाने का मिला के 20 किलोमीटर्स के अराउंड में होगा, 20 या 25 किलोमीटर्स। एंड ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए भैंस सामने से हटो भैंस, ओ भाई चेक कर रहे हो गाइस, चेक करो गाइस एमटी वाला क्या ही निकला यार कट मार के, मतलब एक अच्छी गाड़ी होने के बाद ना अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस दिख रहा था। ये ऑटो वाला देखा यार कितना हैवी, मतलब अचानक से यार, मतलब ठीक है मोड है गली है ये वो है कुछ भी है, बट ऐसे अचानक नहीं निकलना चाहिए यार, हॉर्न इंडिकेटर वगैरह देना चाहिए। फिलहाल से हम लोग एमटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं फिलहाल से, और हम लोग आपको सीन दिखाते हैं कुछ अच्छी अच्छी, एंड फिलहाल हम लोग आगे मिलते हैं यहाँ से। एमटी वाला देख रहे हो भाग रहा, ओ भाई एमटी क्रैश, ओ भाई यार क्या ही निकला यार। देख रहे हो गाइस ऑटो वाला यार बहुत ज़्यादा गलती होती है यार, मैं भी कितनी बार मेरा क्रैश हुआ ना मतलब ऑटो वालों की वजह से, और ये मतलब यार थोड़ा सा यार कोई भी अगर ऑटो वाला देख रहा है तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, देख करके थोड़ा सा ध्यान करो। और ये देख रहे हो यहाँ पर फिलहाल से बस आ गया है, फिलहाल हम लोग इसको जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो यार ऑटो वाला यार बहुत गंदा वाला यार मोड़ा था वहाँ पे, आई होप आपको दिखा हो। सो भाई लोग ये चेक करो, अभी फिलहाल हम लोग कुछ इस टाइप की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, एंड गाइस चेक करो गाइस मौसम ऑसम, राइड भी है भाई लोग सुपर ऑसम, बिकॉज यार आज अपने साथ एमटी वाला जुड़ चुका है, वापस से आ चुका है एमटी वाला। और फिलहाल से गाइस हम लोग अपने लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, अराउंड जैसे मैंने बताया आप लोग को अराउंड 25 किलोमीटर्स हमारा अप डाउन हुआ ये राइड, और फिलहाल से हम लोग कुछ इस टाइप की लोकेशन में, फिलहाल हम लोग KTM शोरूम के पास जा रहे हैं और देखते हैं शोरूम कब खुला हुआ है या नहीं, मतलब जहाँ तक उम्मीद है यार इधर का तो शोरूम बंद ही है और उधर का भी शोरूम बंद ही होगा। 2 hours later, तो ये चेक करो फिलहाल से हम लोग इसको फ्लाई बाय देने वाले गाइस, और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये यहाँ पे मामूल हो गया यार, अच्छा हुआ यार यहाँ ज़्यादा फालतू का कुछ। A few moments later, प्यारा सा फ्लाई बाय, और ये चेक करो गाइस कट चेक करो। तो भाई लोग अभी लोग फिलहाल से आगे बढ़ रहे हैं, एंड फिलहाल से यार सारी चीज़ें बंद है इधर, भाई ये हमारा आगे में मैं भी वेट कर रहा होगा यार, बहुत टाइम लग गया हमें पहुँचने में। फिलहाल देख रहे हो भाई लोग देखो चेक करो यार एमटी वाला वेट कर रहा है अपना। सो फिलहाल से हम लोग अभी उधर टर्न ले लेते हैं एंड उधर जाकर हम मिलते हैं। हेलो
आगे नहीं जाना है, यही पे आगे नहीं जाने का।